सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जो इससे दूर रहता है वही सफल होता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मैं क्या लिखूं आपकी तारीफ में, है बजरंग बली। पानी भी अगर आपको देख ले तो वह भी प्यासा हो जाए। एक अच्छा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आस पास। आज का पंचांग 23 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:39 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 6:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:17 से 1:02 तक रहेगा। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:21 से 4:42 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 23 जनवरी 2024, दिन मंगलवार। हाल ही में हुए नुकसान के लिए आप दोषी महसूस कर सकते हैं। अपनी चिंताओं को आवाज दें और इससे आपकी असहाय या अनसुना बनने की भावना कम होगी। विरासत या आय का कोई नया स्रोत आपको जल्दी ही मिलने वाला है। अपनी अच्छी देखभाल करें और बुराइयों से बचें। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज आपका मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। कुछ समय अकेले अपने लिए व्यतीत करें। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं है पर उससे सीख ना लेना बुरा है। आज कुछ नई गतिविधियां भी होगी, इसीलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बना लें। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मिल मुलाकात लाभदायक रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छे रिश्ते से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करें। पुराने टारगेट हासिल करने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे। हर एक टारगेट को गंभीरता से ले, जीवन शैली में सुधार आएगा। आपके व्यक्तित्व के जो नकारात्मक पहलू हुआ दूर होगी। करियर के कारण जो चिंता है उसे दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। अपने टारगेट को ध्यान में रखकर काम करते रहें। लव रिलेशनशिप संबंधित नकारात्मक विचार न रखें। रिलेशनशिप सुधारने के लिए सही प्रयत्न करने होंगे। सेहत से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए डॉक्टर से उपचार लेना जरूरी होगा। सावधानियां, कोई पारिवारिक मामला चल रहा है तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुलझाने से संबंध अच्छे हो सकते हैं। कोई भी खास कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करने से उचित परिणाम मिलेंगे। युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में कुछ व्यवधान आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है ताकि आपके और भी नजदीक आ सके, लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नए जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकती हैं। अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नम्र रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कई सरप्राइज मिलने की संभावना है या आप भी अपने साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने से धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट हैं, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। व्यापार बिक्री और खरीद के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और ट्राई अप की भी संभावना है। अपने प्यार को जताना आज एक बढ़िया आइडिया है, इससे आप उनके और भी पास आएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आज कुछ नामुमकिन लगे तो कुछ समय निकाल कर अपने आप की सुने। उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो आपके साथ अच्छे हैं। जितना अधिक हो सके उतने लोगों से बात करें। इस समय व्यवसाय पर स्थितियां यथावत ही रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं है। यह समय अपनी रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाने का है। नौकरी पेशा लोगों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीदें हैं। बात करते हैं सेहत की।
पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल भी रहेगा। सेहत से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए डॉक्टर से उपचार लेना जरूरी है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।